टू डिस्कस अबाउट द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड द कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के बीच का डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द अल्टीमेट ह्यूमन कंफर्ट टू अ फ्यू ऑक्यूपेंट्स फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द अल्टीमेट ह्यूमन कंफर्ट, मतलब ह्यूमंस जो रहते हैं ह्यूमंस को कंफर्ट प्रोवाइड करना इंटेंडेड ह्यूमंस को इंटेंडेड कंफर्ट प्रोवाइड करना है हमको ह्यूमन बीइंग को, विच वेयर 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 वी विल हैव द फ्यू ऑक्युपेंट्स, कम ऑक्युपेंट्स रहेंगे एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हम वहां पर उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम, वेयर एज कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम में क्या रहता है कि इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू द नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जो पीरियड रहेगा ऑक्युपेंट्स का जो पीरियड रहेगा दैट विल बी द शॉर्ट पीरियड एंड द ऑक्युपेंट्स विल बी द नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, ज्यादा ऑक्युपेंट्स यहाँ पर रहेगी। वेयर एज इन कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम इसका वाइस वर्सा रहेगा, शॉर्ट पीरियड नहीं लॉन्ग पीरियड रहेगा और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि मिनिमम पार्टिसिपेंट्स रहेगी, फ्यू पार्टिसिपेंट्स विल बी देयर। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज द स्टे पीरियड ऑफ द ऑक्युपेंट इज अ प्रोलॉन्ग, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने कि जो स्टे पीरियड रहेगा ऑफ द ऑक्युपेंट्स विल बी द प्रोलॉन्ग, ज्यादा देर तक रहेगा, बट स्टे पीरियड ऑफ द ऑक्युपेंट इज अ शॉर्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, बैंक के अंदर क्या होता है हम शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं तो जो ऑक्युपेंट्स रहते नंबर ऑफ ऑक्युपेंट्स रहते बट शॉर्ट पीरियड के लिए रहते। वेयर एज इन अ कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम हम ज्यादा देर तक के लिए यूज करते बट मिनिमम ऑक्युपेंट्स रहते वहां पर, ठीक है, और फ्यू ऑक्युपेंट्स रहते, मतलब एक जना या फिर दो जना रहेगा मैक्सिमम। देन नेक्स्ट रहेगा टन्स कैपेसिटी एंड द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इज लेस। अभी इसका जो टन कैपेसिटी रहेगा वो कम लगता है एंड मास फ्लो रेट भी इसका कम लगता है हमको। वेयर एज इन अ कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम टन कैपेसिटी एंड द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इज मोर, यहाँ पे टन्स का कैपेसिटी ज्यादा लगेगा एंड मास फ्लो रेट भी हमको ज्यादा लगता है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज द थर्ड डिफरेंशिएशन। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज नथिंग बट द इट इज जनरली प्रोवाइडेड विद द यूनिटरी कंडीशनिंग सिस्टम लाइक अ विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इट इज जनरली प्रोवाइडेड द यूनिटरी एयर कंडीशन सिस्टम। अभी हम डिटेल में लर्न करेंगे कि व्हाट इज द यूनिटरी एयर कंडीशन सिस्टम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर। यूनिटरी एयर कंडीशन सिस्टम मतलब क्या कि सिर्फ यहाँ पर एक या तो फिर दो ही एसी लगाए रहेंगे, कितना एक या तो फिर दो ही एसी लगाए रहेगा और एक ही रूम के अंदर वो एसी रहेगा, इस वजह से हम उसको यूनिटरी एयर कंडीशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज इन अ कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम इट इज जनरली प्रोवाइडेड विद द पैकेज और द सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम। अभी पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर क्या रहेगा विल बी मोर देन वन एसी, एक से ज्यादा एसी रहेगी वहां पर, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के अंदर तो एक पूरा सेंट्रल एसी रहता है जहां से हम अलग अलग जगह पर एसी को सप्लाई करते हैं, जहां पर अलग अलग जगह पर हम एसी के थ्रू हमारे सेंट्रल एसी के थ्रू अलग अलग जगह पर हम वहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो कमर्शियल में आइदर विल यूज द पैकेज एयर कंडीशनिंग और द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बट इन अ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम विल यूज द यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब एक रूम के अंदर एक ही एसी लगाया रहेगा हमारा मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट द यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द एयर इज रिसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। अभी क्या रहता है कि जो हमारा कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम रहता है उसके अंदर मैक्सिमम एक ही एसी रहेगा, सो मोस्ट ऑफ द एयर इज रिसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। सो जो एयर रहती है हमारी वो वापस से सेम अगेन एंड अगेन रिसर्कुलेट होती है बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन टू द एनक्लोज एरिया, एक एनक्लोज एरिया के अंदर ही हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अंदर की जो एयर रहेगी हमारी, सो द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट एयर, प्यूरिटी ऑफ दैट एयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी द सेम, मतलब सेम एयर विल बी यूटिलाइज अगेन एंड अगेन। देन फ्रेश एयर इज एडेड इन द कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम, फ्रेश एयर इज एडेड टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द एयर। अभी इसके अंदर क्या रहता है यहाँ पर ऑक्युपेंट ज्यादा रहते हैं और जो पीरियड ऑफ टाइम रहता है वो कम रहता है, बट ऑक्युपेंट ज्यादा होने की वजह से यू नीड द फ्रेश एयर, तो हम बार बार क्या करते हैं फ्रेश एयर बाहर से, ये एसी फ्रेश एयर बाहर से सक करता है और उसको रिप्लेस करते रहता है टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द एयर, एयर की जो प्यूरिटी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इन दिस मीन्स इन अ कंफर्ट एयर कंडीशन सिस्टम लेस लीकेज ऑफ द कूल एयर टेक्स प्लेस। अभी इसके अंदर क्या रहता है कि ये कंफर्ट एयर कंडीशन के अंदर एक ही एसी लगा रहता और एक ही रूम के लिए हम यूज करते हैं, दैट्स वाई जो लीकेज रहता है लीकेज ऑफ द कूल एयर टेक्स प्लेस, मतलब इसके अंदर जो लीकेज ऑफ द कूल एयर रहेगा वो लेस रहता है, यहाँ पर लीकेज नहीं होता एयर का ज्यादातर। बट वेयर एज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग मोर चांसेस ऑफ लीकिंग द एयर इन द कमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम। जैसे अगर बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में जाने की वजह से क्या होता है बार बार हम बैंक में जाते हैं तो बार बार हम डोर ओपन करते हैं, देन बाकी लोग अंदर आते हैं बाकी लोग बाहर जाते कुछ लोग बाहर जाते, तो उस ड्यूरेशन टाइमिंग में क्या होता है कि जो एयर लीकेज रहता है टू द एटमोस्फियर वो ज्यादा रहता है, ठीक है। वेयर एज
इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका रूम कम्प्लीटली क्लोज रहता है, एक बार आप रूम के अंदर आ गए तो बार बार आप अंदर बाहर जा नहीं पाते हो, दैट्स वाई एयर लीकेज वहां पर कम रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा दैट इज इट इज यूज फॉर द ऑफिसेज हाउस, वेयर एज दिस कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, ऑफिसेज हो गए, थिएटर्स हो गए, ये हो गया हमारा कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द कमर्शियल एंड द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? आई होप यहां तक अंडरस्टूड हुआ होगा सब।